Moneycontrol.com को दिए इस इंटरव्यू में पीएम ने इकॉनमी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि 2024 में ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती की संभावना है। IMF और रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्वेस्टर सर्विसेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक चमकते तारे के रूप में देखा है। तो प्रधानमंत्री ने आने वाले साल के लिए भी बात की है, 2024 में आप थोड़ी मंदी देख सकते हैं। उसका कारण भी प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबकी नजर है, भारत एक चमकते तारे की जैसी अब छवि दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने जो ये इंटरव्यू दिया है उसमें बड़ी बातों को रखा है। भारत को आने वाले सालों में आपको विश्व गुरु बनाना है तो कैसे काम करना है, आने वाले समय में कैसे आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, कैसे भारत एक चमकता हुआ तारा बन रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू G20 से पहले आप पढ़ सकते हैं moneycontrol.com पर जाकर। G20 से जुड़ी बात को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों को लेकर, भारत के गांव गरीब से जुड़ी बात को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच नजरिए से जुड़ी बातों को लेकर आप वहां कई जवाबों को पा सकते हैं, कई बातें आपको पता चल सकती हैं। प्रधानमंत्री ने न केवल अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र किया बल्कि वो मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था उस दौरान मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गया, मैंने लोगों के मुश्किल हालातों को देखा है, मैंने लोगों को देखा है कि लोग कितनी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना है कि हमें कुछ करना है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, एक बड़ी फौज है। कोरोना के समय 150 से ज्यादा देशों को टीका देने का काम हमने किया है। G20 अध्यक्ष के रूप में बायो फ्यूल अलायंस हम शुरू कर रहे हैं। बायो फ्यूल अलायंस ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का काम करेगा। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में रखी हैं जो हमने आपको बताई हैं। आप और विस्तार से इस इंटरव्यू को moneycontrol.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। पूरे इंटरव्यू को जब आप पढ़ेंगे तो आपको G20 के प्रति प्रधानमंत्री का क्या नजरिया है वो भी समझ आएगा, सरकार कैसे काम कर रही है वो भी समझ आएगा, G20 की अध्यक्षता से हमें क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा वो भी आप समझ पाएंगे। ग्लोबल स्तर पर आप ग्लोबल लीडर कैसे बन सकते हैं, ग्लोबल लीडर आज भारत को कैसे देख रहे हैं, ये तमाम बातें आप जब इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में की है वो यही कि इंडिया की अगर ग्रोथ होती है तो ये सिर्फ इंडिया की ग्रोथ नहीं है बल्कि ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संकेत है। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी राय को रखा है। आप उस राय को पढ़िए जाकर, आप पूरा इंटरव्यू जब पढ़ेंगे तो आपको मौजूदा सरकार का काम, मौजूदा सरकार के काम करने का तरीका, मौजूदा सरकार जब G20 की अध्यक्षता कर रही है तो वो तरीका और ये तमाम बातें आपको समझ आएंगी। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, अब ऐसे में क्या विजन है इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके थे कि वसुधैव कुटुंबकम इस नीति से हम काम कर रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा G20 का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पूरा दुनिया, पूरा प्लैनेट हमारा एक परिवार है, हमें एक परिवार के तौर पर काम करना होगा और जब हम एक परिवार के तौर पर काम करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, एक बेहतर भविष्य को गढ़ते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि सब साथ मिलकर काम करें, फिर चाहे आप आतंकवाद पर बात करिए तब भी हमें साथ मिलकर काम करना होगा, साथ मिलकर बात करनी होगी, चाहे हम एनर्जी पर बात करते हैं तब भी हमें साथ मिलकर साथ बैठकर काम करना होगा और तभी हम आने वाली जनरेशन के लिए कोई काम कर सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ग्लोबल रिलेशन के लिए वो यही है जो आप देश के लिए सुनते हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के लिए भी किया है, सबका साथ, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आना और जो कलेक्टिव चैलेंजेस हैं उनको एक साथ आप लोग फेस करें। सबका विकास, ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए, एक ऐसा डेवलपमेंट जो मानव के इर्द गिर्द ही घूमे और मानव के उत्थान के लिए ही हो। सबका विश्वास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का दुनिया में आप विश्वास जीतिए, हर एक देश का, हर एक व्यक्ति का, तभी आप जो है अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सबका प्रयास हो, हर एक कंट्री की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, उस पर हम सबका प्रयास साझा होना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, भारत उसके लिए काम भी कर रहा है। बायोफ्यूल अलायंस ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेगा, बायोफ्यूल अलायंस पर काम इस G20 के पूरे सम्मेलन में किया जाएगा। बीते सालों में भारत ने कैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है उस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि बीते 9 साल में उनकी सरकार ने किस तरीके से काम किया कि यूनिवर्सली एक एजेंडा तय किया जाए,
दुनिया भर में, और हम उस पर एक साथ मिलकर काम करें, बायोफ्यूल अलायंस हो, ताकि वो कंट्री जो अलग अलग देश हैं उनको एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उन पर काम किया जाए, प्लैनेट फ्रेंडली सर्कुलर इकोनॉमी को हम लोग तैयार करें, एक ऐसे एम्पावर करें, 140 करोड़ इंडियंस को अलग अलग सेक्टर्स में फ़ायदा हो, ग्लोबल मीट से जो ग्लोबल लीडर्स मीट हो रही है उस पर हमारी क्या राय है, और इसी के साथ में इंडिया के पास वो कन्विंसिंग पावर है कि हम आप अगर हमारे साथ काम करते हैं तो हम बहुत कुछ दुनिया भर को दे सकते हैं, ग्लोबल फ्यूचर हम लोग शेप कर सकते हैं एक लार्जर रोल में, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम G20 प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं दुनिया और पूरे देश के समर्थन के साथ में। पॉलिटिकल स्टेप्स क्या हो, पॉलिटिकल अप्रोच क्या हो, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की है कि आप जब देश के उत्थान के लिए काम करते हैं तब अपने आप आपकी एक पॉलिटिकल अप्रोच, बेहतर पॉलिटिकल अप्रोच होती है, बेहतर पॉलिटिकल सोच होती है, और बेहतर तरीके से आप काम सरकार के द्वारा जो है देश के लिए कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। कैन डू की स्पिरिट देश भर के हर एक व्यक्ति में है, हर एक रीजन में है, यानी कि मैं कर सकता हूँ, कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ, ये स्पिरिट हमें देश के हर एक व्यक्ति में दिखाई दी है। और यही कारण है कि हम जो चैलेंजेस लेते हैं, रिसोर्सफुलनेस के हम चैलेंजेस ले रहे हैं, हम स्किल के चैलेंजेस ले रहे हैं, हम उस पर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि हर एक स्किल के साथ में वो काम कर सके और बेहतर स्किल के साथ में काम कर सके। अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो पावर जो है पहले दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन हमने ये कोशिश की, हमने उस कॉन्फिडेंस को बनाया, जगाया, दृष्टिकोण को बदला कि हम G20 के कार्यक्रमों को न केवल देश में करें बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हम G20 के कार्यक्रमों को आयोजित कर सकें।